हेलो फ्रेंड्स, बोनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मशरूम कल्टीवेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है बोटानिकल नेम ऑफ गुच्ची। तो क्या है हमारे पास? मोर्चीला एस्कुलेंटा। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अगारिकस इज नाउन एज बेसिडोका। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वॉट इज फेरिंग? फेरिंग क्या होता है? जो हमारे मशरूम के ऊपर, जैसे हमारा मशरूम है उसके बीच में जो सेंटर में बहुत सारा सरफेस इकट्ठा होता है तो उसको बोलते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं फेरिंग। ऐसा बिलीव किया जाता है कि फेरीज जो आती हैं और उसके ऊपर डांस करती हैं, उसको बोलते हैं फेरिंग। पॉइजनस फंगी को हम क्या बोलते हैं? टॉडस्टूल। मशरूम को वेजिटेबल मीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें पल्सेस और सीरियल से ज़्यादा प्रोटीन होते हैं और अमीनो एसिड होते हैं। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्ज। स्पॉन क्या होता है? सीड, जो हम मशरूम में यूज़ करते हैं या तो बाय ग्रेन्स यूज़ करते हैं और अनदर प्रोडक्ट। वट इज़ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन? कितना है हमारे पास? 121 से लेके 134 डिग्री सेल्सियस। विच मशरूम इज ऑल्सो नाउन एज पेडिस्ट्रा मशरूम? किसको बोलते हैं हम पेडिस्ट्रा मशरूम? वोल्वरीला, वोल्वो रियला, वोल्वोलियो का पेडिस्ट्रा और चाइनीज मशरूम बोलते हैं हम। प्रिजर्वेशन ऑफ मशरूम इन सील्ड कंटेनर इसको बोलते हैं हम, सील्ड कंटेनर में इसको प्रिजर्व करने को बोलते हैं कैनिंग। मेजर इंपॉर्टेंट मशरूम का क्या है हमारे पास? नीदरलैंड। अगर हम बात करते हैं नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। व्हाई इज सोलन कॉल्ड एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया? क्योंकि सोलन में मशरूम का ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है और जो हमारा स्पॉन है वो वहीं से प्रोड्यूस होकर बाकी एरिया में सप्लाई किया जाता है। वैल्यूएटेड प्रोडक्ट ऑफ मशरूम, मशरूम की वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ मशरूम कल्टीवेशन, इम्पोर्टेंस क्या है मशरूम कल्टीवेशन की? लेवल डायग्राम करनी है हमें टी एस ऑफ गिल ऑफ अगारिकस बायस्पोरस का, जो गिल होता है इस तरह से उसकी हमें टी एस बनाना है। मशरूम आर हेल्दी फूड फॉर ह्यूमन बींग, गिव एन कमेंट लिखना है इसके ऊपर हमें स्टेटमेंट पे कि मशरूम जो हेल्दी फूड क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है और बहुत सारे मिनरल प्रेजेंट होते हैं। डिस्कस एनी सिक्स पॉइजनस मशरूम फाउंड इन इंडिया, मशरूम जो इंडिया में पॉइजनस फाउंड होती है उनके बारे में लिखना है। डिस्कस द इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट यूज फॉर मशरूम कल्टीवेशन, कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, आइदर वो हमारे पास ऑटोक्लेव हो गया, स्टरलाइजेशन के लिए हो गया, कंपोस्टिंग हो गया, बहुत सारे मटेरियल हम यूज़ करते हैं, वो इनोकुलम हो गया। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोर्स ऑफ प्योर कल्चर ऑफ मशरूम, प्योर कल्चर ऑफ मशरूम के ऊपर नोट लिखना है। प्योर कल्चर से ही हम जो है आगे फर्दर अपने मशरूम की प्रोडक्शन करते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ कल्चर आइसोलेशन इन मशरूम, कौन कौन से मेथड है कल्चर आइसोलेशन के मशरूम में। राइट अ डिटेल नोट ऑन मेंटेनेंस एंड स्टोरेज ऑफ प्योर कल्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारा प्योर कल्चर बन गया तो उसको मेंटेन और स्टोर करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्कस इन डिटेल कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी फॉर एगारिकस बायस्पोरा, कल्टीवेशन टेक्निक्स कौन कौन सी एगारिकस बायस्पोरा के लिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, दो मेथड है, एक लॉन्ग मेथड जिसमें बहुत दिन लगते हैं, एक शॉर्ट मेथड जिससे थोड़े कम दिन में हम कंपोस्टिंग तैयार करते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल एनी 10 रेसिपी ऑफ मशरूम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन कौन सी रेसिपीज बना सकते हैं मशरूम से। डिस्कस इन डिटेल द पेस्ट मैनेजमेंट इन मशरूम कल्टीवेशन, पेस्ट मैनेजमेंट, हम पेस्ट से अपने मशरूम का जो हमारा मशरूम है उसको हम कैसे बचा रहे हैं। डिस्कस इन डिटेल द फ्लाइज ऑफ मशरूम, फ्लाइज ऑफ मशरूम वो फ्लाइज, ये हमारा लास्ट पेस्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, इंसेक्ट और पेस्ट वाले लेसन से है कि कौन कौन सी फ्लाइज हैं जो हमारे मशरूम को हार्म कर रही हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे मशरूम कल्टीवेशन की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।